चाहे कोई भी पीछे से टांग खींचे कोई मतलब नहीं, आगे जाओ। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, तो दिल से धन्यवाद बहुत ज़्यादा। आप इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखें हम लोग। तो भैया ये जो कहानी है ये तकरीबन 8 महीने पुरानी है। मैं एक दिन गया मनोज भाई से मिलने के लिए, मीटअप ब्लॉग था मेरा, और हुआ क्या वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मेरे स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ है, बैकग्राउंड चेंज मिल रहा होगा क्योंकि मैंने चेंज किया है ताकि वीडियो और अच्छा बने। तो मैंने वहाँ पे जो भी ब्लॉग शूट किया वो था एक पेन ड्राइव में, और वो पेन ड्राइव मैंने घर पे लेकर के आया और वो पेन ड्राइव भुला गया। तो अब जा कर के मेरे को पेन ड्राइव मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना मनोज दे भाई का वीडियो आपको दिखाऊं। तो मेरे साथ पहुंच चुका है अभिषेक, और उस दिन मैंने अब उठाई मैंने बाइक की चाबी और उठाई अपनी बाइक और चल दिया मैंने मनोज भाई से मिलने के लिए। तो रुको रुको, मेरे पीछे जो खड़े हैं वो मनोज भाई, ये जो धनबाद के बेस्ट यूट्यूबर है, इनके पास तो मैं पहुंच गया, बट इससे बात कैसे करना वो मैं थोड़ा तो नर्वस था। तो फिर मैंने सोचा कि जब दिल में है यूट्यूबर बनने की तो मन में जो बात है पूछने की पूछ डालो, तो मैंने पूछ दिया, कैमरा उठा दिया। बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, तो गली चली जाकर आपको मिलाते हैं, जो कि वे हमारे साथ आए हुए धनबाद स्टेशन में। ये रहे मनोज दे भाई, सर जैसा कुछ बोलिए आपके व्यूअर्स को। बस अभी मंदिर के पास खड़े हैं, काम के लिए स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, बने रहिए। सर आपको मतलब 3.5 जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप अपने ऑडियंस को कुछ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं बारे में? बहुत ज़्यादा मजा आएगा ना, खुशी होगा, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, तो दिल से धन्यवाद बहुत ज़्यादा। आप इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखें, हम लोग आगे बढ़ते रहे, चाहे कोई भी पीछे से टांग खींचे कोई मतलब नहीं, आगे जाओ। और सरस्वती पूजा के लिए बधाई दे दीजिए जी, सबको बहुत बहुत बधाई सरस्वती पूजा के लिए, हैप्पी समर। और अपना सेटअप पे कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं और भी कुछ नहीं? बस चेंजिंग थोड़ा वो पीको आ रहा है वो वाला ठीक हो जाएगा, साउंड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, बाकी लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा बहुत लगाना है। और करेंगे तो मतलब आप टेक्निकल गुरु जैसे कब बनने जाते हैं? टेक्निकल गुरु जी जैसा देखो वो तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बड़ा एम है, लेकिन किसी को ना भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा एम को बड़ा ही रखना चाहिए कि कर लूँगा, देखते हैं क्या होता है। बातचीत तो होते रहेगी, लेकिन जिस वजह से मनोज भाई से मिलने के लिए आए थे वो बात जानने से पहले आप यहाँ का व्यू देखो। तो इस वीडियो में मनोज दे क्या कर रहा है, अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस व्लॉग का मैं एम रखता हूँ 20 लाइक, और आपको 20 लाइक इस वीडियो में करवाना तब आपको नेक्स्ट व्लॉग मिल जाएगा। और अभी मैं दुकान पे हूँ और जल्दी ही आपको दुकान से रिलेटेड व्लॉग मिलेगा। बाय।